यूनिवर्स में वैसे तो कई सोलर सिस्टम हैं, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम कुछ अलग है, जिसका आकार एक प्लेट या तश्तरी की तरह है। सौरमंडल में सूरज का आकार सबसे बड़ा है, जो सभी को ऊर्जा और प्रकाश देने का काम करता है। सौरमंडल के सेंट्रल में सूरज है और सबसे बाहरी सीमा पर नेपच्यून। लेकिन हम यहाँ आपको सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी यानी बुध से जुड़ी कुछ खास जानकारियां देंगे। डिफरेंट नेम्स ऑफ मरकरी, साइज एंड सरफेस। मरकरी प्लैनेट, जिसे हिंदी में हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं, वो सूरज के सबसे नजदीक और सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। सूरज के सबसे नजदीक होने की वजह से इसे देखना मुश्किल होता है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि इसके और भी कई नाम हैं। जैसे रोमन मिथकों की माने तो इसे कॉमर्शियल, बिजनेस और ट्रेवल का देवता माना जाता है। वहीं इसे मैसेंजर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पीछे की वजह है कि वो आकाश में काफी तेजी से घूमता है। इसे कभी सूर्योदय का तारा तो कभी सूर्यास्त का तारा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके आकार की। इसका डायमीटर 3030 माइल्स यानी 4878 किलोमीटर है। पृथ्वी से इसकी दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर है। सूरज की परिक्रमा करने में इसे 88 दिन लगते हैं। मरकरी का सरफेस एरिया 74.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। सूरज की किरणों का तेज वहां पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होता है। वहां का एक दिन धरती के 176 दिन के बराबर होता है, जबकि मरकरी का एक साल धरती के सिर्फ आधे साल के बराबर होता है। बता दें कि इसका सूरज की तरफ वाला हिस्सा 430 डिग्री तक गर्म हो जाता है, जबकि छाया में तापमान -180 डिग्री होता है। लैंड सरफेस एरिया एंड एनवायरमेंट। कहते हैं ना कि कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती। एक समय आता है जब हर किसी में परिवर्तन होता है। समय के साथ बुध ग्रह भी बदला। बता दें यहाँ काफी खाइयां हैं, जिन्हें वैज्ञानिक होलो कहते हैं। यहाँ ऊंची नीची खाइयां तब बनती हैं जब इसकी सतह से केमिकल एलिमेंट्स यानी रासायनिक तत्व निकलते हैं और भाप बन जाते हैं। यहाँ का सरफेस बहुत ही उबड़ खाबड़ है। कहीं काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं तो कहीं गहरी खाइयां। इस ग्रह की सतह दूसरे ग्रहों से कुछ अलग है। यहाँ की पथरीली सतह पर सल्फर और क्लोरीन जैसे तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस ग्रह के रंग की बात करें तो ये देखने में डार्क ग्रे दिखाई देता है। यहाँ की सतह चट्टानों से भरी है, जिस पर धूल की मोटी परत है। मरकरी के पर्यावरण की बात करें तो यहाँ का पर्यावरण स्थिर नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सूरज से इसकी निकटता। बता दें कि पृथ्वी पर लगे रेडियो टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि बुध के एक ध्रुव पर भारी बर्फ हो सकती है और वहां का तापमान -184 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। बुध की सतह पर द कैलोरिस बेसिन है, जो लगभग 1300 किलोमीटर डायमीटर की है। ये चंद्रमा के मारिया घाटी के जैसी है। शायद ये भी किसी धूमकेतु या एस्टेरॉइड्स के टकराने से बनी है। गड्ढों के अलावा बुध ग्रह पर कुछ सपाट पठार भी है, जो शायद ज्वालामुखी गतिविधियों से बने हैं। लेकिन क्या असल में यहाँ ज्वालामुखी थे? क्योंकि अभी तक इनके पाए जाने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जबकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ के गड्ढों में बर्फ भी है, लेकिन इस बारे में हम ठोस तरीके से नहीं कह सकते। स्पेसक्राफ्ट ऑन मरकरी। मरकरी पर जीवन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अभी तक दो अंतरिक्षयान मैरिनर 10 और मैसेंजर भेजे जा चुके हैं। मैरिनर 10 को नासा ने 3 नवंबर 1973 को भेजा, जबकि मैसेंजर यान 3 अगस्त 2004 में भेजा था। मैसेंजर ने यहाँ की सतह की साफ तस्वीर लेकर यहाँ मौजूद परिस्थितियों को जानने में मदद की है। मैसेंजर अभियान के पेलोड मैनेजर रॉबर्ट गोल बताते हैं कि इस यान में लगाया कैमरा आपको सरफेस डिजाइन और संरचना के बारे में बताता है, जबकि स्पेक्ट्रोमीटर धातु संरचना यानी मेटल स्ट्रक्चर और अणु संरचना यानी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इन दोनों यान की मदद से पता चलता है कि बुध ग्रह पर लोहे और टाइटेनियम का बड़ा भंडार है। इससे पहले ये माना जाता था कि बुध ग्रह को ढकने वाले सिलिकेट खनिज में थोड़ी मात्रा में ही लोहा है,
लेकिन मैसेंजर की मदद से पता चला है कि यहाँ लोहा ऐसे रूप में मौजूद है जो हमें किसी दूसरे ग्रहों पर नहीं मिलता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में मरकरी पर जीवन हो सकता है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।